Hello children, welcome to ASA Education, your own learning channel. आज हम RBSE बोर्ड की इंग्लिश बुक Let's Learn English Grade 6 का 5th चैप्टर करेंगे. Health and Hygiene, स्वास्थ्य और स्वच्छता. You must have heard the proverb, health is wealth and cleanliness is next to godliness. आपने ये मुहावरा तो सुना होगा, health is wealth and cleanliness is next to godliness. Now read the conversation related to health and hygiene given below. अब नीचे दिए हुए वार्तालाप को पढ़ते हैं. स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में. सीमा, गुड मॉर्निंग मैडम. सीमा, नमस्ते मैडम. टीचर, गुड मॉर्निंग सीमा. शिक्षक और टीचर, नमस्ते सीमा. सीमा, आई एम नॉट वेल टुडे. सीमा, मैं आज ठीक नहीं हूँ. टीचर, दिस इज ए हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम. टीचर, यह स्वास्थ्य संबंधित समस्या है. सीमा, व्हाट इज हेल्थ मैडम. सीमा, मैडम स्वास्थ्य क्या होता है. टीचर, हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल इमोशनल स्पिरिचुअल एंड सोशल वेल बीइंग. इट इज नॉट ओनली एब्सेंस ऑफ डिजीज. टीचर, स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक मानसिक भावनात्मक आध्यात्मिक और सामाजिक वेल बीइंग की स्थिति है. यह केवल बीमारी का ना होना नहीं है. सरोज, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेल्थ. सरोज, क्या आप यह अलग अलग तरह के स्वास्थ्य के बारे में बता सकती हैं? टीचर, आई विल एक्सप्लेन टू यू वन बाई वन. टीचर, मैं तुमको एक एक करके समझाऊंगी. When the body is free from the physical ailment or abnormal condition, it is physical health. जब शरीर किसी भी शारीरिक कष्ट या असामान्य स्थिति से मुक्त होता है तो इसे शारीरिक स्वास्थ्य कहते हैं. यानी कि अगर शरीर में कोई भी कष्ट नहीं होता और शरीर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती तो इसे शारीरिक स्वास्थ्य कहते हैं. The state of absence of stress, tension, worry, negative thoughts, एटसेट्रा इज मेंटल हेल्थ. तनाव, परेशानी, चिंता, नकारात्मक विचारों आदि के अभाव की स्थिति मानसिक स्वास्थ्य है. यानी अगर आपको चिंता नहीं है, परेशानी नहीं है, कोई भी आपके अंदर नेगेटिव विचार नहीं आते हैं तो ये मानसिक स्वास्थ्य कहलाता है. अ बैलेंस स्टेट विदाउट एंगर ग्रीड प्राइड हेट्रेड एटसेट्रा इज इमोशनल हेल्थ. क्रोध लोभ अभिमान घृणा आदि के बिना संतुलित अवस्था भावनात्मक स्वास्थ्य है. यानी क्रोध लोभ अभिमान घृणा का ना होना भावनात्मक स्वास्थ्य है. टू लिव इन वन सेल्फ विद यूनिफॉर्मिटी एंड हार्मनी इज स्पिरिचुअल हेल्थ. समानता और सद्भाव के साथ अपने आप में रहना आध्यात्मिक स्वास्थ्य है. टू मेंटेन प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ पीपल थ्रू ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट इज सोशल हेल्थ. संगठित सामाजिक प्रयास से लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखना रक्षा करना और उसका सुधार करना सामाजिक स्वास्थ्य कहलाता है. सुषमा, why do we fall ill? सुषमा, हम बीमार क्यों होते हैं? टीचर, because we don't pay attention to hygiene. टीचर, क्योंकि हम स्वच्छता पर ध्यान नहीं देते हैं. संतोष, what is hygiene madam? संतोष, मैडम हाइजीन क्या होता है? टीचर, hygiene is the science and the art of preserving and improving health of a person, known as a personal hygiene, and of a community, known as the community hygiene. Teacher, hygiene एक व्यक्ति और समुदाय के स्वास्थ्य के संरक्षण और सुधार का विज्ञान और कला है. सुनील, what should we do to maintain personal hygiene, madam? सुनील, हमें personal hygiene यानी व्यक्तिगत hygiene को बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? टीचर, टू मेंटेन पर्सनल हाइजीन वी शुड ब्रश अवर टीथ रेगुलरली, बाथ विद द फ्रेश वाटर रेगुलरली. टीचर, पर्सनल हाइजीन बनाए रखने के लिए दांत नियमित रूप से साफ करने चाहिए, नियमित ताजे पानी से नहाना चाहिए, वेयर क्लीन एंड ड्राई क्लोथ्स, साफ और सूखे कपड़े पहनने चाहिए, वॉश योर हैंड विद सोप आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट एंड बिफोर एवरी मील. अपने हाथ टॉयलेट यूज करने के बाद और खाना खाने से पहले साबुन से धोने चाहिए. वॉश योर आईज विद कोल्ड वाटर रेगुलरली, अपनी आंखों को नियमित ठंडे पानी से धोना चाहिए.
कट योर नेल्स रेगुलरली एंड कीप देम क्लीन। नियमित रूप से नाखून को काटना चाहिए और उन्हें साफ रखना चाहिए। यूज प्योर ड्रिंकिंग वाटर, शुद्ध यानी साफ पीने के पानी का प्रयोग करना चाहिए। नेवर टेक अनकवर्ड ईडेबल्स, कभी खुली हुई खाने की वस्तुओं को नहीं खाना चाहिए। यूज हैंड कर्चीफ व्हाइल कफिंग और स्नीजिंग, खांसते और छींकते समय रुमाल का प्रयोग करना चाहिए। टेक ए बैलेंस्ड एंड हेल्दी डाइट, संतुलित और स्वस्थ आहार लेना चाहिए। हेमलता, हाउ शुड बी मेंटेन कम्युनिटी हाइजीन मैडम? हेमलता, हमें कम्युनिटी हाइजीन यानी सामुदायिक हाइजीन बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? टीचर, टू मेंटेन कम्युनिटी हाइजीन वी शुड, टीचर कम्युनिटी हाइजीन बनाए रखने के लिए हमें कीप अवर सराउंडिंग्स एंड एनवायरमेंट क्लीन, हमें चारों तरफ और पर्यावरण को साफ रखना चाहिए। रिसीव द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई थ्रू अंडरग्राउंड पाइप सिस्टम, पीने के पानी को अंडरग्राउंड यानी जमीन के अंदर जो पाइप होते हैं उनसे लेना चाहिए। बिल्ड एंड यूज द पब्लिक टॉयलेट लैट्रिन्स, पब्लिक टॉयलेट यानी सुलभ शौचालय बनाने चाहिए और उनका प्रयोग करना चाहिए। यूज मैन्योर पिट्स फॉर एनिमल ड्रॉपिंग्स, पशुओं की ड्रॉपिंग्स के लिए खाद के गड्ढों का प्रयोग करना चाहिए। ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। अरुणा, थैंक्स ए लॉट मैडम, नाउ वी हैव लर्न वेल दैट हेल्थ इज वेल्थ एंड क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, इन फैक्ट नॉलेज इज अर्न इनकम। अरुणा, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, अब हमें अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि हेल्थ इज वेल्थ यानी स्वास्थ्य ही धन है, यानी स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है और सफाई ही सबसे बड़ा धर्म है, सफाई ही सबसे बड़ी भक्ति है और ज्ञान एक कमाई यानी आय है। टीचर, यू आर वेलकम, टीचर आपका स्वागत है। यहाँ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। चैप्टर हमें बताता है कि हमें किस तरह से अपने हेल्थ और अपनी हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। ये चैप्टर हमें ये भी बताता है कि हमें केवल अपने शारीरिक ही नहीं बल्कि कम्युनिटी का भी ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आशा है आपको ये वीडियो हेल्पफुल और एजुकेशनल लगा होगा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को भी बताएं। अगर आपका कोई क्वेश्चन या कमेंट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू।